हाय, मैं सिप्ता मिश्रा। हम आप लोगों को क्लास टेंथ साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 2015 में पूछा गया है और पूछने का भी चांस है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम बताने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस ऑफ वेजिटेबल्स आयल टू वेजिटेबल्स घी। वेजिटेबल्स आयल से वेजिटेबल्स घी में जो कन्वर्ट होता है उसका प्रोसेस बताओ। तो वो होता है हाइड्रोजिनेशन। अब ये सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय आइसोमर। वी कैन नॉट हैव आइसोमर ऑफ द फर्स्ट थ्री मेंबर्स ऑफ एल्केन सीरीज गिवन रीजन टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ टू आइसोमर ऑफ पेंटेन C5H12। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। देखो, आइसोमर क्या होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, उसको हम आइसोमर बोलते हैं। देखो, आइसोमर आर दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इन फर्स्ट मेंबर्स ऑफ एल्केन। ब्रांचिंग इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर आइसोमर इज आर नॉट पॉसिबल। जो इसमें ब्रांचिंग है वो नहीं बन पाएगा, बस दो ही बनेगा। देखो, CH3, CH2, 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 CH3 पेंटेन बना, और इस पेंटेन को एक यहाँ हम लगा देंगे तो टू, यहाँ पे अगर हम जैसे ये चार, यहाँ पांच कार्बन है तो हम इसको जब चार करेंगे तो चाहे यहाँ कर दें CH3 का एक ब्रांच लगा दें, चाहे यहाँ पे कर दें CH3 का, तब भी ये जो हम IUPAC नेम है वो सेम होगा, मीन्स दो ही बनेगा। CH3, CH2, CH3, CH3 ये दो ही बने। देखो, अगर आइसोमर की बात आई तो यहाँ से एक बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि हर एक एग्जाम में आता है, जैसे IIT, NEET, ये सब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करते हैं। जैसे आइसोमेर इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, तो ये स्ट्रक्चर्स अगर आपको डिराइव करने को दे देगा, ये क्लास टेंथ में देता है। जैसे ब्यूटेन का टू आइसोमर बनता है, या तो चैन बनाओ या तो पोजीशन, दो ही बनेगा। और पेंटेन का थ्री बनेगा, चाहे चैन बनाओ चाहे पोजीशन, तीनों दोनों को मिलाकर तीन ही बनेगा। और हेक्सेन में फाइव बनता है, और हेप्टेन में नाइन बनता है, और बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये दोनों है। 5 मार्क्स का आता है और पक्का आता है, 100% आता है, हेक्सेन का या हेप्टेन का। एक पूछता है वो 5 नंबर का देता है, 5 मार्क्स का आता है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और ऑक्टेन 18 है, ये जैसे नीट वूट के लिए इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन दे देगा कि इसमें कितना बन, ऑक्टेन में कितना आइसोमर बनता है, फिर ऑप्शन दे देगा, फिर 35, 49, 18 या 9, तो उसमें 18 वाला करेक्ट होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नोट कर लो। मान लो अगर हेप्टेन का पूछा तो इसका आइसोमर आप कैसे बनाओगे, यान हेप्टेन फर्स्ट है, 2-methyl hexane ये सेकेंड, ऐसे बनाओगे, देखते जाओ क्योंकि उतना टाइम नहीं है बताने का। अब देखो, यहाँ पे बना है 3-methyl hexane, ये 3 बना है, यहाँ तक 3 हो। अब देखो, चौथा में 2-3-dimethylpentane बनेगा, पांचवा में 4-2-4-dimethylpentane बनेगा, सिक्स में 3-ethylpentane बनेगा। ये स्ट्रक्चर है, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा पक्का। और देखो, 2-2-dimethylpentane है, और 2-3-2-2-3-trimethylbutane है। अब यहाँ पे देखो, 3-3-dimethylpentane, ये एग्जाम में हमेशा पूछा, हर एक प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा के देखो, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, ओके, थैंक यू। ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको देते रहेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आएगा भी।